हाय दोस्तों, मैं गहना वर्षिष आज के मेरे नए एपिसोड बी बोल्ड विद गहना में मैं स्वागत करती हूँ राशि वर्मा का। थैंक यू सो मच गहना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। एंड गाइस, लेट्स डिस्कस द रियलिटी ऑफ आवर ओटीटी एक्टर्स एंड ओटीटी इंडस्ट्री। एंड आई एम श्योर गहना इज गोना आस्क मी सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। So, राशि, I'll start with कि how was your journey, कैसे तुम यहाँ तक पहुँची, and सबसे पहले पहला question क्या था जब पहला break मिला in any bold film or any bold project पे, कैसा react किया, and how was your performance तब और आज में क्या फर्क है? See, I'll tell you very frankly गया ना, of course मैं भी उन्हीं लड़कियों में से थी जो ये सोचती थी कि यार स्क्रीन पे कपड़े उतारना या यू नो समथिंग लाइक दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मैं राजपूत फैमिली से हूँ, काफ़ी कल्चर्ड फैमिली से हूँ, तो बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि लड़कियों को हमेशा शर्म के पर्दे में और ऐसा ढका हुआ रहना चाहिए। तो मैंने 8 साल अपने करियर, मैंने 8 या 9 साल इस इंडस्ट्री को दिए, जिसमें से मैंने 5 साल जम के सीरियल्स करे। मैंने बालाजी के 4 शो किए हैं, मैंने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे शोज किए हैं, मतलब एपिसोड्स किए हैं, मैंने गोविंदा जी के साथ फिल्म की, कल्की कौशिकी के साथ फिल्म की, अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने कल्याण ज्वेलर्स का ऐड किया। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा अच्छा काम करने के बाद मैं बोल्ड इंडस्ट्री में क्यों हुआ। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके पास आया होगा। तो ऐसा था कि हम इंडस्ट्री में काम बहुत करते हैं बट काम विजिबल नहीं होता है, क्योंकि जब आप बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो तो सारा जो फुटेज होता है वो उनको मिल रहा होता है, हमें नहीं मिल रहा होता। तो इतना काम करने के बाद भी कोई नहीं जानता था कि राशि वर्मा कौन है। खैर, बोल्ड इंडस्ट्री में मैंने इसलिए शुरुआत नहीं करी, मैं आपको इन रियलिटी बताती हूँ। तो देयर वाज अ टाइम, एक मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ गया था जब बहुत ज़्यादा काम नहीं था, और अगर काम आ भी रहा था तो पैसे बहुत कम ऑफर करे थे सीरियल्स वाले। ओके, आई डोंट माइंड सेइंग दिस, बालाजी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है बट बहुत बड़ा चिंदी चोर भी है। वो लोग आर्टिस्ट को ना के बराबर पैसे देते हैं, वो भी 120 डेज के बाद आपको पैसे मिलते हैं, 4-4 महीने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो ना के बराबर पैसे और वो भी 4-4 महीने बाद, टेन परसेंट टीडीएस भी कटता है। तो आई डोंट माइंड सेइंग दिस, इफ एकता मैम इज लिसनिंग टू दिस, आई थिंक शी शुड टेक एन एक्शन अबाउट इट। सो अब एक्टर, एक तो हमारी मतलब रोजी रोटी वही है, तो हम खाएंगे क्या, हम यू नो कैसे मैनेज करें अपना लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैंने कहा नहीं, अब मुझे सीरियल करने ही नहीं, ये 90 डेज, ये 120 डेज, यू नो आई कांट होल्ड ऑन। तभी मेरे पास बोधी ट्री से ऑफर आया। सबसे पहले उन्होंने ही उल्लू का काम स्टार्ट किया था, और जो आशु धालीवाल जी उसकी क्रिएटिव हैं, शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस लेडी, वेरी स्वीट लेडी, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बोला ऐसे ऐसे हम एक राशि उल्लू ऐप के लिए हम एक यू नो एपिसोड शूट करना चाहते हैं जिसमें आप लीड हो। और तो मैंने कहा ये उल्लू ऐप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये था कि उल्लू ऐप क्या है, क्योंकि जो लोग बालाजी के साथ काम कर चुके हों, अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके हों, उनके लिए मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे एक नया ऐप आ रहा है जो इरोटिका सीरीज बना रहे हैं, एंड दे आर पेइंग वेरी वेल। तो जैसे उन्होंने बोला पेइंग वेरी वेल, तो मैं तो भाई ऑफर में थी, मैं तो वेट ही कर रही थी कोई ऐसा पेइंग वेरी वेल वाला ऑप्शन मिले, और सेम डे पेमेंट, मैंने बोला इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसीलिए शुरुआत की बोल्ड की, और उन्होंने मुझे बता दिया था पहले ही, दे वर वेरी क्लियर वेरी क्रिस्प कि सेमी बोल्ड होगा। ओके, ऑफ कोर्स निपल शो या कोई भी प्राइवेट पार्ट शो नहीं थे, इट वाज अ सेमी इरोटिका। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी क्लिवेज तक नहीं दिखाया था ऑन स्क्रीन। दिस इज द फैक्ट, बिफोर कमिंग टू उल्लू आई हैव नॉट इवन शोन अ क्लिवेज इन एनी ऑफ द सीरियल्स और सीरीज और व्हाटएवर। मैंने कहा ठीक है यार, करते, पैसे तो चाहिए थे, इट वाज ऑल फॉर मनी, सेम डे पेमेंट, अच्छा पेमेंट। मैं पहुंच गई सेट पे, अब देख रही हूँ सेट पे, मैं वेट कर रही, पहले तो मेरे डायलॉग वाले सीन हुए। अब एक्ट्रेस तो मैं अच्छी हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट, आई हैव डन 3.5 ईयर्स ऑफ थिएटर, तो जो डायलॉग वाले सीन थे वो तो मैंने पटपट निकाल दिए। आई परफॉर्म वेल, और मतलब लोगों की तालियां वालियां भी बजी उस पे। तो ये सब हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो फाइनल, जब क्या बोलते हैं, जब फाइनल इरोटिक वाला सीन का जब आया, तो फॉर सम टाइम आई वाज इन ट्रॉमा कि मैं कैसे करूँगी। पर जब सीन स्टार्ट हुआ, इट वाज शॉट सो प्रोफेशनली, आई टेल यू द टीम वाज सो प्रोफेशनल, डायरेक्टर हो या वहाँ के लाइटमैन्स हो या वहाँ के कैमरामैन्स हो, मतलब किसी ने भी मुझे एक बार के लिए भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं कराया। ऑफकोर्स निप्पल शो नहीं था, पर टॉपलेस था। अच्छा राशि, मुझे चीज बताइए, जैसे कभी ऐसा हुआ कि सेट पर कभी कोई लड़का आया हो एंड यू वर लाइक फक मैन ही इज सो हॉट,
और आप उसके साथ बेड सीन कर रही हो और तभी आपको ऐसा लगा यार ये सीन कभी बंद नहीं होना चाहिए, वी शुड गो विद द फ्लो, और आप टर्न ऑन हो गई हो, ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो किसके साथ हुआ है? नहीं, मेरा ऐसे नहीं हुआ किसी लड़के के साथ, बिकॉज मैंने जैसे बोला ना मैं बहुत प्रोफेशनल, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, अगर कोई लड़का मुझे हॉट लगता है तो मैं उसको हॉट बोलती भी हूँ और आई डोंट माइंड हैविंग यू नो दैट फन टाइम इफ आई वांट टू, बट दैट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो विद मी, क्योंकि जब मैं सेट पे होती हूँ ना तो मेरा सारा फोकस काम पे होता है, और दूसरी बात इतनी ज्यादा उस वक्त लाइटिंग होती है, इतना चाओ 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 होता है कि यू डोंट फील लाइक गेटिंग रोमांटिक. सी फॉर मी टू गेट रोमांटिक आई नीड लाइक अ यू नो एकदम शांति वाला माहौल और सेंटेड कैंडल्स हो बेड पे, अच्छा मतलब मखमली गद्दा हो, और मतलब वो माहौल होना चाहिए फॉर मी टू एंजॉय सेक्स. सो ऑब्वियसली वो सेट पर नहीं हो सकता है, तो ऐसा हुआ नहीं. बट हाँ, हैंडसम लड़कों के साथ मैंने सीन जरूर दिए हैं जिनको ऑब्वियसली जिनको मेरे लिए फीलिंग्स आई थी और उन्होंने मुझे बोला भी सेट पे, पर मैंने बोला यू नो व्हाट, लेट्स बी प्रोफेशनल, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, सो डोंट ट्राई योर लक. अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, ऐसा कभी हुआ जैसे सेट पर यू लाइक समवन, ओके एंड लेटर ऑन तुम्हें ऐसा लगा है लेट्स स्टे इन टच विद हिम, और कभी ऐसा हो कि सेट पर मिलने के बाद आप दोनों अच्छे कपल बन गए हो या फ्रेंड्स बन गए हो या आप लोग थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए एक एकदम फ्लिंग्स वगैरह वाला कुछ? यार अनफॉर्चुनेटली आई हैव नेवर फॉलन इन लव विद अ गाय आई मेट ऑन द सेट, मतलब जिसके साथ मैंने एक्ट किया है. हाँ, मैंने रैंडमली किसी फ्रेंड के थ्रू हम किसी से मिले हों तो वहां पे एक कनेक्शन बन गया हो, वो बात अलग होती है. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सेट पे किसी से मिली और मुझे उसे प्यार हो गया, नहीं वो कभी नहीं हुआ. इट्स नेवर हैपेंड लाइक दैट. फ्लिंग्स के एक्सपीरियंस क्या रहे हैं? वी वुड लव टू एंड यू हैव टू बी वेरी ओपन. सी आई एम नॉर्मली अ वेरी वेरी गर्ल हु हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड इन दैट वे, नॉट अ बैड एटीट्यूड, बट मुझे किसी लड़के को अप्रोच करना पसंद नहीं है टू बी फ्रैंक. इवन इफ आई लाइक द गाय आई विल मेक श्योर दैट ही कम्स टू मी. I will never ever, no matter how much I'm dying for the guy or no matter how handsome he is, I'm someone who would not give bhav until unless agar wo meri taraf interest dikha raha hai equally, to I will go for something like that. To aise flings hue hai, aisa nahi hai, but mere bahut kam hue hai, like jo jinko aap one night stand wagera jo bolte ho, ye meri life mein bahut bahut kam hua hai, matlab aisa random nahi, because it's very difficult for me to you know be with someone very close in that manner until unless I feel for that man. So Rashi, are you single? As of now, yes, I am single. And guys, are you open for someone? Of course, I think we should always be open. I think हमें life में हमेशा chance देना चाहिए life को. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि bad experience होने के बाद कहते हैं नहीं नहीं अब तो मैं relationship में नहीं जाऊंगी, अब तो मैं किसी से प्यार करूंगी नहीं करूंगी and all that. But मेरा ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि यार you should keep trying till you get the best. क्योंकि अगर आप मौका ही नहीं दोगे किसी को, ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको बेस्ट मिलेगा कैसे? सो आई एम वेरी ओपन अबाउट ट्राइंग. और ऐसा नहीं, एक दो लड़कों से मेरी शादी के लिए भी बात चल रही है, और मेरे कुछ ओल्ड कॉलीग्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, बिकॉज बिफोर बिकमिंग एन एक्ट्रेस, जैसे मैंने कहा मैं MBA मार्केटिंग हूँ, तो आई वर्क फॉर वेरी बिग कॉर्पोरेट्स, तो वहां से एक दो लोगों ने मुझे अप्रोच किया है फॉर मैरिज, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो राशि मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बंदे को तुम्हें एकदम से पागल कर देना है, मतलब तुम उसके बारे में दिन रात सोचो, मतलब दिन रात के ख्यालों में खोई रहो एकदम फिल्मों की तरह, तो उस लड़के को क्या करना होगा बिफोर बेड एंड ऑन बेड? बिफोर बेड एंड ऑन बेड, या तुम्हें बड़ा पता. सो देखो ऐसा है कि पहले तो मैं फिजिकल से ज्यादा बहुत ज्यादा इमोशनल यू नो अटेंशन पे विश्वास रखती हूँ. मतलब उस लड़के को मुझे बेड पे ले जाने से पहले बहुत ज्यादा पैम्पर करना होगा, बहुत सारी शॉपिंग करानी होगी, अच्छी अच्छी मूवीज दिखानी होंगी, अच्छी अच्छी जगहों पे डिनर के लिए लेके जाना होगा, मुझे बहुत यू नो वांटेड फील कराना होगा, उसको ये दिखाना होगा कि भाई वो मेरे लिए है एंड ही वुड डू एनीथिंग फॉर मी, एंड दैट्स व्हेन आई विल गेट रेडी टू बी ऑन हिज ऑन द बेड विद हिम ऑफ कोर्स. एंड अगर वो स्टेज आती कि हम दोनों बेड तक जाते हैं, हाँ. तो मैं उस बंदे से फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजीन एक्सपेक्ट करती हूँ, बहुत हाइजीनिक होना चाहिए बंदा, और दूसरा ही शुड नो हाउ टू डू अ गुड फोर प्ले, बिकॉज अच्छे फोर प्ले के बिना आई कैन नॉट बी कंफर्टेबल और आई कैन नॉट हैव दैट थिंग. माई फेवरेट पोजिशन नॉर्मली यू नो आई प्रेफर
मिशनरी ओनली बिकॉज मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है मिशनरी करने में. बट अगर डॉगी भी कोई अच्छे से करना जानता है तो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है टू बी फ्रैंक इनफ करना एंड देयर डूइंग समथिंग लाइक यू गेट लाइक दैट स्टमक पेन एंड ऑल दैट. तो नहीं, जिनको अच्छे से करना आता है उनके साथ सोचेंगे. बट माई बेस्ट पोजिशन इज मिशनरी बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कम्फर्ट. और आप कैसे ब्रीफ करते हो अच्छे सेक्स को, मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे अगर किसी को जानना है कि राशि के हिसाब से अच्छा सेक्स क्या है तो वो क्या होगा? सी, अच्छा सेक्स तो मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार आप इमोशनली मेंटली कनेक्ट हो बंदे से और एक बोलते हैं एक सोलफुल लव मेकिंग होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी सेक्स 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 की भी हाँ बस पानी निकालना है और इसलिए आप ढक 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 करे जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ वेरी सोलफुल, वेरी सूदिंग, वेरी मेस्मराइजिंग और एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देना. ये नहीं कि सिर्फ अपना, ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द गर्ल सेटिस्फैक्शन. सो आई वुड प्रिफर द गाय टू थिंक अबाउट माई सेटिस्फैक्शन ऑल्सो and then plan things and make sure that I come and I'm satisfied. So that's what I call a good sex. Okay. And Rashi, जैसे कि इतनी सारी actresses in OTT when it comes to adult industry, okay? अब बहुत सारी actresses के साथ आप काम भी करती हैं. कौन सी एक्ट्रेस को आप कहना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छी आपका कम्फर्ट जोन, और कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और उनमें आपको क्या बिल्कुल पसंद नहीं है? See, ऐसे तो मैं बिचिंग नहीं करती किसी के बारे में. मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलना बिकॉज आई थिंक अच्छा बुरा सभी के अंदर होता है. बट मैं अपना, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो डेफिनेटली मेरी फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज पीहू. पीहू बहुत कमाल की है, बहुत कंफर्ट लेवल देती है वो लड़की. शी स्टिल नीड्स टू पॉलिश विद हर एक्टिंग एंड ऑल, जो मैं उसको सामने उसके मुंह पर भी बोलती हूँ कि शी नीड्स टू. बट अदरवाइज शी इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल आर्टिस्ट टू वर्क विद. एंड दूसरे लेवल पे आई थिंक मुस्कान अग्रवाल, हम लोग मनाली गए थे. सो आई हैव अ ग्रेट, आई शेयर अ वेरी ग्रेट कम्फर्ट लेवल विद मुस्कान. अभी रिसेंटली मैंने वाड़ा में एक शूट किया था पूजा करके एक लड़की थी, उसके साथ मैंने लेस्बियन किया. वो लड़की भी बहुत कमाल, शी इज यंग गर्ल 18 ईयर ओल्ड, लेकिन बहुत अच्छे सीन्स देती है, शी इज वेरी क्लासी. बाकी सच बोलो तो मेरे को कुछ लड़कियां हैं जो आई थिंक मैं बोलूंगी तो वो सुनेंगी तो उनको बुरा भी लगेगा, बट आई हैव स्पोकन टू देयर फेसेस ऑल्सो. जैसे रुक्स है, हेरल है, इन लोगों का थोड़ा सा अपना एक जोन है. ओके, यू नो दे डोंट गिव यू दैट कम्फर्ट, दे थिंक दैट नहीं हम कुछ हैं तो हम अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे एंड ऑल दैट. सो वहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है. बट अगेन नथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि मेरा कंफर्ट लेवल क्या है, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ. बट मुझे लगता है एज एन एक्ट्रेस आपको जब आप काम कर रहे होते हो आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं अच्छा काम करूँ. आपको ये दिमाग में कभी नहीं लाना चाहिए कि मैं कुछ हूँ, बिकॉज हम कुछ भी नहीं. मैं अपने आप को भी कुछ नहीं मानती. आज लोग भले बोलते होंगे कि मैम यू आर अमंग द टॉप ऑफ 5 एक्ट्रेसेस ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपके ऊपर इतने यूट्यूब के वो बनते हैं, इतनी न्यूज़ छपती है आपके बारे में, पर मैं आज भी टू बी फ्रैंक इनफ मैं आज भी अपने आप को जीरो कंसिडर करती हूँ. मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत काम करना है, बहुत कुछ सीखना है लाइफ में. और मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ कोई भी एक्ट्रेस, इवन इफ शी इज़ अ न्यू कमर, आई वुड स्टिल गिव हर द सेम कम्फर्ट लेवल दैट आई वुड गिव टू एनी बिग आर्टिस्ट. क्योंकि मेरे लिए एक एक्टर सिर्फ एक एक्टर है और हर एक्टर को यही सोच के सेट पे आना चाहिए. यस. अच्छा राशि, आपने मेरे साथ अभी एक रीसेंट एक सीरीज की, तो आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा? क्या मैंने आपके कंफर्ट जोन का प्रॉपर ख्याल रखा या आप थोड़ी अनकंफर्टेबल थी कहीं पर? नहीं, अभी तो टू बी फ्रैंक इनफ रिसेंटली मैंने जो भी शूट कहना के साथ किया है वो काफ़ी अच्छा रहा. हमारा टू बी फ्रैंक इनफ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि गहना मुझे नहीं जानती थी, मैं गहना को नहीं जानती थी, और मैं भी हूँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं हर चीज़ शूट पे जाने से पहले हर चीज़ के बारे में बहुत क्वेश्चन करती हूँ कि ये है वो नहीं है. और ऑब्वियसली उनको भी उस चीज़ का बुरा लगा होगा, जायज़ है, क्योंकि वो सोचती हैं कि मैं भी डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो सब चीज़ पहले से कर रही हूँ, तो ये मुझे क्यों क्वेश्चन करिए. वो चीज़ें होती हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. बट जब से हमने एक दूसरे को जाना है तो आई थिंक वी हैव एन अमेजिंग बॉन्ड, अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग, अमेजिंग अफेक्शन फॉर ईच अदर, एंड वी हैव बीन डूइंग ग्रेट. एंड आई होप ये टचवुड ऐसा ही चले जिंदगी भर. एंड हैव डेवलप्ड अ रियली ग्रेट बॉन्ड विद गहना. थैंक यू सो मच राशि. एंड वन थिंग ऑल्सो अबाउट गहना, और से कि गहना उन फ्यू लड़कियों में से है जिनको मैं एडमायर करती हूँ अपनी लाइफ में. मैंने बहुत कम लड़कियों को एडमायर किया अपनी लाइफ में, बिकॉज मैं खुद ही अपने आप को बहुत, मतलब ये नहीं कि खुद बहुत कुछ समझती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो इंटेलिजेंट और बोलते ना लेवल हेडेड लड़कियाँ हमारी इंडस्ट्री में, नो ऑफेंस टू एनीवन, पर वैसी लड़कियाँ बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में.
उनको ये भी नहीं पता है उनको बात कैसे करनी, उनको चलना कैसे, उनको कपड़े कैसे पहनने, हाउ टू डील विद देम और हाउ टू डील विद अदर्स एंड हाउ टू कैरी देमसेल्फ. बट गहना इज वन पर्सन आई एडमायर बिकॉज आई फाइंड हर लाइक माई रेप्लिका. बहुत प्रोग्रेसिव है, इंटेलिजेंट है, इनको पता है इनको क्या करना है.